तो फ्रेंड स्टील का बर्तन जितना भी जला हो फ्रेंड नए जैसा घर के ही सामग्री से घर के ही जुगाड़ से आप लोग। हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं ममता सिंह, मैं यूट्यूब चला ममता है संतोष ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड। नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे फ्रेंड। घड़ी में इस टाइम 4 बज रहा है, आज मैं 4 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और कल है 15 अगस्त। 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स आज मैं फिर आ गई हूँ नए जुगाड़ नए टिप्स में। तो आज मैं बहुत सारा टिप्स लेके आई हूँ। आज घर का बचत, पैसे का बचत भी होगा, समय भी कम लगेगा। किचन टिप्स लाई हूँ फ्रेंड जो कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगने वाला है और समय का भी बचत होगा। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। देख सकते हैं ये जो कि हम लोग जो भी गहना रखते हैं तो ये फ्रेंड ढक्कन है, हर घर में मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड पहला मेरा ये टिप्स है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं ढक्कन ली फ्रेंड। यहाँ पर रुई या तो आप काटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो मेरे पास रुई है फ्रेंड, इसमें मैं रुई लगा दूँगी इस तरह से। देख सकते हैं फ्रेंड इस तरह से रुई लगाना है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये उजाला है जो कि फ्रेंड्स उजाला एक्सपायर डेट हो जाए वो भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड मेरे पास बड़ा वाला साइज का उजाला है फ्रेंड, और इसमें लगा देना है इस तरह से, इस तरह से फ्रेंड सारे जगह पर इस तरह से लगाना है रुई पर फ्रेंड्स। अगर एक्सपायरी डेट है फ्रेंड वो भी चल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आप लोग को मैं जुगाड़ आज बताऊँगी। इसको मैं बंद कर देती हूँ। देख सकते हैं इसमें मैं जो नील है उजाला है फिर इसमें मैं डाल दी हूँ। और अंगूठे में क्या होता है फिर इस तरह से लगाना है, देख सकते हैं फिर। और कोई भी वाइट पेपर पर भी आप जो भी निशान है फिर इस तरह से देख सकते हैं फिर लग जाएगा और ये सूख भी जाएगा फिर। तो क्या होता है फिर कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो ख़रीदना पड़ता है, या तो जो कि फिर कहीं बैंक पे या कहीं भी जाना पड़ता है तो जिसको भी अपना मतलब लिखने साइन नहीं आता है फिर तो अंगूठा के निशान लगाता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ पैसे भी बचा सकते हैं, घर से भी ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जो कि अच्छे से फिंगर भी लग जाएगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं वाइट भी पेपर पर भी लग गया है फिर कितने अच्छे से। तो इस तरह से हम लोग घर पर भी बना के रख सकते हैं, या तो बच्चे लोग का या कहीं भी स्कूल में या कहीं भी। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर मैं ली हूँ पानी का बाटल, जो फ्रेंड आधा लीटर का बाटल आता है वो ले सकते हैं। तो मेरे पास ये बाटल फ्रेंड, तो यहाँ पर बच्चे लोग इसमें देख सकते हैं अपने जो भी पेंसिल जो भी कलर है उसमें यूज करते हैं फ्रेंड। तो इसको मैं कट कर ली हूँ और ऊपर का जो भाग है फ्रेंड इसको कट करना है तो मैं पहले ही कट कर ली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो ऊपर का जो भाग है फ्रेंड किसी चीज़ से निशान लगाने के बाद इसको बहुत ही आसानी से आप लोग कट कर सकते हैं और इसका कोई काम नहीं फ्रेंड। तो यहाँ पर बच्चे लोग अपना पेंसिल और छोटे मोटे जो भी पढ़ाई के मतलब लेजर हुआ या कलर हुआ तो इसमें रखते हैं, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं फ्रेंड, इसका ज़रूरत है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं चने का दाल है। आप चाहे तो जो भी किचन में इस्तेमाल करते हैं दाल या को जो भी किचन में इस्तेमाल करते हैं छोटी मोटी सामान से, तो यहाँ पर मैं फिर चने का दाल है इसको फिर जो मैं ये कट कर ली हूँ फिर देख सकते हैं कट की हूँ। इसको इसमें से डालना है इस तरह से, इसमें दोनों फ्रेंड्स इस तरह से डालना है। देख सकते हैं फिर बहुत ही अच्छे से मतलब ये चला गया और बहुत ही आसानी से फ्रेंड। तो इसमें जो भी फ्रेंड्स जो सामान है बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, बाहर भी नहीं गिरेगा। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से सामान भी इसमें से निकल रहा है फ्रेंड, देख सकते हैं। तो आसानी से हम लोग निकाल भी सकते हैं और इसमें आसानी से डाल भी सकते हैं। अगर डालना होगा फिर इसको इस तरह से लेंगे और इसको हाथ में लेंगे और इसको इस तरह से इसमें डाल देंगे तो बहुत ही आसानी से इसे चला भी जाएगा। तो देख सकते हैं कोई टाइम भी नहीं लगा, बहुत आसानी से चला भी जाएगा और सामान जो कि बाहर गिरेगा भी नहीं से, कोई परेशानी भी नहीं होगा किचन में सामान रखने का आसान। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये है बर्तन, स्टील का बर्तन। क्या होता है फ्रेंड जब भी हम लोग काम करते हैं या कुकिंग करते हैं तो फिर इस तरह से जल जाता है, या तो कढ़ाई हुआ या तो स्टील का बर्तन हुआ। फिर इसको किस तरह से हम लोग आसान तरीके से घर के सामान से कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर मेरा स्टील का जो बर्तन है फ्रेंड ये जल गया है। तो इसको किस तरह से हम लोग साफ़ कर सकते हैं फिर, समय भी नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अगर स्टील का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कढ़ाई होता है या तो इस तरह से जो कि बर्तन होता है काला हो जाता है, या तो गैस पर हम लोग भी कुकिंग करते हैं फिर जब गैस ख़त्म होने वाला होता है तो इस तरह से काला हो जाता है। तो मेरा फ्रेंड मैं चूल्हे पर कहे देख सकते हैं इस पर मैं बनाई थी तो फ्रेंड्स ये काला हो गया। तो मैंने सोचा इसको धुलने जा रही हूँ तो मैं आप लोग को बता भी देती हूँ किस तरह से हम लोग इसको आसान तरीके से साफ भी कर सकते हैं।
तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर मैं कोलगेट मंजन ली थी, और क्या है फ्रेंड्स कि कोलगेट मंजन से बहुत ही आसान तरीके से छूट जाएगा, इसमें कोई भी और सामान नहीं चाहिए थे। थोड़ा सा मेरे वीडियो में चिड़िया का आवाज़ आ रहा है क्योंकि मैं एक गांव से हूँ और जहाँ पर मैं बनाती हूँ फिर वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत सारे हैं तो इसलिए आवाज़ आ रहा है, उसके लिए सॉरी। तो देख सकते हैं थोड़ा सा मैं कोलगेट मंजन लगा रही थी, थोड़ा सा ही चाहिए और इसमें कोई भी सामान नहीं चाहिए थे। और इसको इस तरह से चारों बगल लगा लेना है, जहाँ पर भी जला है इसको इस तरह से फिर लगा देना है। बहुत ही आसान तरीके से छूट भी जाएगा, फिर कोई भी टाइम नहीं लगेगा, समय का भी बचत होगा। जितना भी पुराना काला बर्तन हो फिर इस तरह से आसान तरीके से हम लोग बर्तन को भी छुड़ा सकते हैं, पतीला हुआ या कढ़ाई हुई जो भी सामान हुआ थे इस तरह से। तो ब्रश के सहायते से इसको लगाना है, फिर इस तरह से लगा के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना, उसके बाद अपने आप क्लीन हो जाएगा। देख सकते हैं अभी मैं लगा ही रही हूँ, उसके बाद देख सकते थे कितने अच्छे से क्लीन हो जा रहा है। देख सकते हैं ब्रश से ही अच्छे से क्लीन हो जा रहा है। तो इसको अगर थोड़ा सा अगर फ्रेश जल्दी है तो फिर इस तरह से ब्रश की सहायता से आप इसको छुड़ा सकते हैं, नहीं तो इसको 5 मिनट रख देंगे फिर इसके बाद कोई भी इसको हाथ से भी नहीं धुलेंगे, इस तरह ब्रश के सहायते से अच्छे से छूट जाएगा। देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हो जा रहा है फिर। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पर मैं लगाई रही थी, कितने अच्छे से क्लीन हो गया। और पहले देखिए फिर सब देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हो गया। इसको आप लोग को मैं धो के भी दिखाती हूँ, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा फिर, बस एक ही सामान से जो कि पतीले को अच्छे से क्लीन साफ और पुराना भी जितना हो फिर इस तरह से पतीले फिर इस तरह से मंजन के सहायते से कोलगेट मंजन के सहायते से इस तरह से साफ भी कर सकते हैं। तो देखिए फिर इसका रिजल्ट आप लोग को धो के भी मैं दिखाती हूँ, देखिए आप लोग को हाथ से भी दिखाती हूँ, देख सकते हैं फिर कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो चलिए आप लोग को धो के भी मैं दिखाती हूँ, देख सकते हैं 5 मिनट भी नहीं हुआ कितने अच्छे से क्लीन हो गया। देख सकते हैं फिर ब्रश के ही सहायते से इसको मैं फिर इसको मतलब अच्छे से क्लीन की हूँ। तो आप लोग को धो के भी दिखाती हूँ, तो देख सकते हैं फेस कितने अच्छे से क्लीन हो गया, अब पहले कितना गंदा था फेस और इस टाइम देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हो गया मेरा पतीला। समय भी नहीं लगा फेस, समय की बचत हो गई और कुछ पैसे भी इस तरह से हम लोग बचा सकते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हो गया, और इस साइड भी देख सकते हैं, इस साइड भी देख सकते हैं और इस साइड भी देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हो गया, साफ हो गया। तो फ्रेंड्स आज का मेरा आप लोग को कौन सा सबसे अच्छा टिप्स अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्यारा से कमेंट दीजिएगा। और क्या होता है फ्रेंड, हम लोग छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हम लोग नहीं जानते हैं, जानते ही तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग जो कि घर पर किचन में छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, घर का कुछ पैसे भी बचा सकते हैं, समय भी बचा सकते हैं। तो इस तरह से जो कि हम सभी महिलाएँ जानती हैं लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत कम करती हैं, तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल भी कर सकते हैं, समय का बचत होगा और पैसे भी बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का सबसे अच्छा टिप्स आप लोग को कौन सा अच्छा लगा ओवरऑल। तो फ्रेंड्स अगर आज का मेरा टिप्स आप लोग को अच्छा लगा तो प्यारा से कमेंट जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही प्यारा प्यारा कमेंट आप लोग फ्रेंड्स दिया करिए क्योंकि आप लोग को कमेंट से हिम्मत मिलती है। तो फ्रेंड्स कल है 15 अगस्त, क्योंकि कल मैं आप लोग को कोई जुगाड़ टिप्स नहीं बता पाऊँगी क्योंकि कल है 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या होता है फ्रेंड, या हो सकता है मैं बाबू को स्कूल जाऊँ या तो कहीं भी मतलब 15 अगस्त मनाया जाएगा वहाँ पर जाऊँ, तो आप लोग जहाँ भी जाऊँगी आप लोग जरूर कल वाला ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा। और कल जैसा होगा फ्रेंड्स आप लोग को मैं कल वाले वीडियो में जरूर बताऊंगी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स कल है 15 अगस्त, तो खुशियाँ बांटिए और घर हर घर घर झंडा फहराइए, और जो कि फ्रेंड्स ऐसे ही सपोर्ट ऐसे प्यार बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्यारा से कमेंट जरूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट ऐसे प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नए नए वीडियो में, नए नए जुगाड़ नए नए टिप्स में, ऐसे ही सपोर्ट ऐसे प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।